Hi guys, welcome back to my channel. I'm Kishween and I hope you're all doing well. And today I have my top 10 skincare products. बहुत टाइम बाद मैं एक स्किन केयर सॉर्ट ऑफ वीडियो कर रही हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई एम श्योर यू वोंट रिग्रेट सब्सक्राइबिंग इट. सो आई एम गोना शो यू माई टॉप 10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज. एंड ये सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहे हैं इस वक्त. सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो. Amazon की फ्रीडम सेल चल रही है जिसपे आपको सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे. नीचे मैं अपने स्टोर फ्रंट का लिंक डाल दूंगी. वहां पे स्किन केयर के अलावा बहुत कुछ है. मेकअप, क्लोथिंग, एथनिक वेयर, सूट्स, यू नो, टॉप्स, ड्रेसेस, बहुत कुछ है. तो उस लिंक को क्लिक करके जरूर मेरे प्रोडक्ट्स चेकआउट करना. ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर सॉर्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन. मैंने इस वीडियो का टाइटल माई टॉप 10 स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिया है अंडर 500. But the products I have are not, you know, all skincare because there's like one hair care product, two hair care products actually, one nail product as well. So it's like a beauty product thing, my top 10 beauty products. Okay, so we'll try to be in like chronological order, meaning ki we'll start with face wash, then we'll move to toners, serums, moisturizers, phir hair care wagaira. And if you think I look tired, then yes, I'm tired, but let's do this video. So first product is this Vauka apple cider vinegar face wash. Now why I love this product, because iske sath na ye ek silicone brush aata hai is tarike ka. Now this silicone brush helps you know clean your face so well. ये इतने अच्छे से आपके फेस को आपके फेस पे फेस वॉश को मसाज करेगा एंड आपके एक एक पोर में से गंक, डर्ट, डस्ट को अच्छे से बाहर निकाल देगा. सो वॉट वी डू इज लाइक हम नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं, वी डू दिस. तो उससे पोर्स के अंदर उतनी क्लीनिंग नहीं हो रही, कभी कभी दब जाती हैं चीजें, बट ये अच्छे से सब एक्सट्रैक्ट करके निकाल देगा. एंड इसका सिलिकॉन ब्रश जो है काफी सॉफ्ट है तो काफी बढ़िया रहता है. नेक्स्ट इज टोनर और मिस्ट. एंड टोनर में मेरा फेवरेट है ये TNW का रोज वाटर टोनर. TNW इज द नेचुरल वॉश एंड ये उसके टोनर की बॉटल है. ये रोज वाटर टोनर है. रोज वाटर टोनर्स आपको बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल मिल जाते हैं, बट व्हाई आई लव दिस वन बिकॉज ये स्किन को इरिटेट नहीं करता. बहुत रोज वाटर्स स्किन को इरिटेट कर देते हैं, स्पेशली सेंसिटिव स्किन को. ये बिल्कुल स्किन को इरिटेट नहीं करता. इसकी कोई बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस नहीं है एंड बहुत ही हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन है. आई एम जस्ट गोना यूज इट. मैं अपने फेस को अच्छे से इसमें ड्रेंच कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा फेस बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, थोड़ी स्किन डैम्प हो जाए नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए. आपको सब प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. प्राइजेस आपको आप लिंक पर क्लिक करोगे दिख जाएंगे. एंड सिंस अमेजोन पे सेल भी चल रही है तो बहुत अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज सीरम्स. बट फॉर सीरम्स आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक राइट नाउ बिकॉज मैंने कुछ टाइम से जो भी सीरम्स ट्राई करे मुझे कुछ इतना बॉम्ब इतना बढ़िया नहीं लगा कि मैं उसको बहुत अच्छे से बहुत कॉन्फिडेंस से प्रमोट कर पाऊँ कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया काम करेगा या ये मेरी स्किन में बहुत बढ़िया काम करा. सो सिंस वी डोंट हैव लाइक सीरम टुडे बट आई हैव दिस डॉट एंड की का हाइड्रोपील ग्लो पोशन. दिस हैज 10% AHA एंड 2% BHA एंड दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग सीरम. शायद आपने ऑर्डिनरी का वो रेड वाला सीरम देखा होगा जो एक्सफोलिएटिंग AHA सीरम होता है, ठीक है, वो रेड कलर के ड्रॉप्स होते हैं. यू अप्लाई इट ऑन योर फेस, कीप इट फॉर 10 मिनट्स एंड देन रिमूव इट विद वाटर. वो गीला गीला ही होता है. सो ये बिल्कुल उसके जैसा है. नाउ व्हाट दिस सीरम एंड व्हाट दैट ऑर्डिनरी वाला डज इज दैट आपकी स्किन का जो टेक्स्चर होता है ना, आपकी स्किन थोड़ा स्मूथ कर देता है. इंस्टेंट वाला ये काम है, इंस्टेंटली भी आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है, थोड़े बम्प्स को बिठा देता है, टेक्स्चर सॉफ्ट कर देता है, रफ टेक्स्चर हो रहा था आप यूज कर सकते हो. एंड रेगुलर रिजल्ट से भी इससे काफी फर्क पड़ता है. इट्स लाइक अ केमिकल पील, इट्स लाइक एन एक्सफोलिएटिंग थिंग. सो अगर आपने पहले AHA एंड BHA यूज करा है तो ये यूज करना, वरना मत करना ऐसे, ठीक है. काफी मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट है ये बिकॉज मैं एक्टिव्स और AHA BHA यूज करती रहती हूँ तो मेरी स्किन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बहुत माइल्ड कॉन्सेंट्रेशन है ये, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी सही है, बिगनर्स के लिए सही है. बट अगर आपने इससे पहले नहीं करा तो स्टार्ट विथ सम AHA BHA टोनर्स या इससे भी कम परसेंटेज वाला कुछ एंड देन कम टू दिस एक्सफोलिएटिंग पील. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉइस्चराइजर्स एंड आई थिंक यू नो व्हाट माय फेवरेट मॉइस्चराइजर इज.
It's the Pond Super Light Gel. Literally, I cannot function without this. I cannot live without this. आप देखो मैंने कितनी बड़ी डब्बी मंगाई हुई है ये इसकी, कितनी है? ये 200 ग्राम की डब्बी है और मुझे अमेजोन पे हमेशा डिस्काउंट में मिल जाए तो मैं हमेशा इसे अमेजोन से ही ऑर्डर करती हूँ. लिटरली आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस फॉर यू बिकॉज मैं साथ स्किन केयर कर ही रही हूँ, तो मैं इसे अच्छे से बिल्कुल अप्लाई करती हूँ अपनी स्किन पे बिकॉज इससे बहुत अच्छे से मेरी स्किन यू नो मॉइस्चराइज होती है. एंड दिस इज लाइक नॉन स्टिकी फ्रेश फील विद हाइलोरोनिक एसिड विटामिन ई, दोनों ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. ठीक है, अच्छे से मैं इसे लगा लेती हूँ स्किन पे इस तरीके से, देखो आप. अब नेक्स्ट मैं बात करूंगी लिप बाम की एंड ये मेरी फेवरेट है. दिस इज द लिनेज लिप ग्लोई बाम बेरी फ्रूट रूजस का यू नो वेरिएंट है. आई क्विकली अप्लाई दिस. बहुत अच्छी है ये लिप बाम एंड बहुत क्यूट सी है, छोटी सी है एंड अब तक की बेस्ट लिप बाम है ये मेरी. ओके आप देख सकते हो इसको लगाते ही मेरे लिप्स कितने ब्यूटिफुली शाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं. बिल्कुल ग्लॉस लाइक इफेक्ट देता है ये लिप बाम बट इतना हाइड्रेट करता है आपके लिप्स को. सो अगर आपके लिप्स एक्सट्रीमली ड्राई हैं जैसे मेरे हैं तो एक तो पानी पिया करो, मैं तो पीती नहीं तो मैंने ये खरीद लिया. तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, आई टोटली लव दिस. मैंने ये रिसेंटली डिस्कवर किया है बट जब से किया है ना आई एम लविंग दिस एंड यू नो आई रियली अप्लाई दिस रेगुलरली. नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं विच हैज समथिंग टू डू विद आवर नेल्स. राइट नाउ यू कैन सी मेरे नेल्स ऑलरेडी हो रखे हैं, दीज आर लाइक जेल ओवरले सॉर्ट ऑफ थिंग. बट जब मैंने नेल्स नहीं कराए होते हैं तब आई यूज दिस OPI का नेल स्ट्रेंथनर. दिस इज बेसिकली अ नेल हार्डनर. अगर आपके बहुत यू नो ब्रिटल नेल्स हैं, पतले नेल्स हैं, क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं ईजिली, पतले पतले हैं या बहुत ज़्यादा नेल्स कराते हो तो उससे वीक हो जाते हैं नेल्स और इसीलिए टूट जाते हैं, दिस इज़ योर सेवियर. दिस लुक्स लाइक यू नो अ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, छोटा सा लगता है बट दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स, फॉर नेल्स दैट क्रैक वेरी इजिली, वीक नेल्स. ये क्या करता है, एक आपको क्लियर नेल पॉलिश जैसा लगेगा ये आपके नेल्स पे, इसके ऊपर आप अपना नेल पेंट भी लगा सकते हो. ठीक है, ड्राई हो जाएगा, नजर भी नहीं आएगा, पर ये क्या करेगा आपके नेल्स को बहुत हार्ड कर देगा. हार्ड इन द सेंस अगर आपका नेल ऐसा है एंड नीचे करने पर टूट जाता है या कहीं थोड़ा इजी लग के टूट जाता है तो इससे क्या होगा, जब आप इसको लगाओगे ना ये ड्राई हो जाएगा, आप अपने नेल को ऐसे करोगे वो नीचे नहीं होगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो मतलब स्ट्रेंथन हो जाएगा. सो अगर आपके नेल्स वैसे वीक हैं या करा करा के वीक हो गए नेल एक्सटेंशन एंड ऑल दैट तो डेफिनेटली ट्राई दिस नेल स्ट्रेंथनर. Now let's move on to hair care and for hair care first thing that I have is this anti dandruff shampoo because I know बहुत लोगों को dandruff की problem होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा होती है. So this is some brand named Selsun, नहीं इस shampoo का नाम है Selsun, the brand is Abbott. ठीक है, this is like you know a medicated shampoo for your hair and इस पर लिखा है treats and controls dandruff. इस पर कुछ नहीं लिखा क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए ही है, ना ही आपके हेयर को मॉइस्चराइज करेगा कुछ करेगा, बहुत सिंपल मेडिकेटेड शैम्पू है ये. तो जो लिखा है उतना काम करेगा, आपके साथ से डैंड्रफ हटाएगा विद इन लाइक 2 to 3 वॉशेज. नाउ देयर इज दिस अनदर प्रोडक्ट विच आई लव यू नो फॉर हेयर केयर. दिस इज अ हीट प्रोटेक्टेंट यू नो मिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. अगर आप रेगुलरली अपने बाल स्टाइल करते हो यू नो कर्लिंग रॉड से या स्ट्रेट करते हो या ब्लो ड्राई करते हो तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है बिकॉज ये आपके बालों को उस हीट से बचाता है. एंड इफ यू यू नो स्टाइल लाइक वंस इन अ वाइल और समथिंग तो इतना फर्क आप नहीं नोटिस कर पाओगे, बट अगर आप रोज अपने बालों को स्टाइल करते हो या एवरी अदर डे करते हो, ब्लो ड्राई भी करते हो इवन, तो इससे आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा बिकॉज जो हीट से डैमेज होता है ना ये प्रोडक्ट वो डैमेज कहीं ना कहीं रिड्यूस कर ही देता है. टेक सेक्शंस एंड देन ब्लो ड्राई इट और स्ट्रेटन इट और कर्ल इट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. Now next thing is something related to body care and it's going to be just a single product. So it's a body lotion and it's a 1% salicylic acid daily exfoliating body serum lotion from the Dermaco. इसमें salicylic acid है, glycolic acid है, zinc है. तो basically हमारी जो body होती है इस पर roughness होती है, bumps होती है, pimples आ जाते हैं. And we take care of you know our face a lot but body पे हम बस नहा के धो के normal lotion लगा लिया, कभी नहीं लगाया, भूल जाते हैं. अब कुछ लोगों की बॉडी पे काफ़ी पिंपल्स होते हैं, काफ़ी रेड मार्क्स रह जाते हैं, काफ़ी यू नो पिगमेंटेड पिगमेंटेशन रह जाती है, तो इस सब के लिए ये बॉडी लोशन बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज दिस इज़ लाइक एन एक्सफोलिएटिंग बॉडी लोशन
दिस विल नॉट रियली एक्सफोलिएट योर स्किन ऑन डेली बेसिस, बट बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा, आपके जो एक्ने स्कार्स रह जाते हैं उन पे वर्क करेगा, जो बॉडी पे एक्ने स्कार्स रह जाते हैं. लाइक आई डोंट नो बट इफ यू कैन सी आई हैविंग अ फ्यू पिम्पल्स हियर. ठीक है, सो ये पिंपल्स हो रहे हैं किसकी वजह से? गर्मी की वजह से हो रहा है. गर्मी में चीज़ें बहुत होती हैं. सो आई विल यू नो अप्लाई दिस बॉडी लोशन रेगुलरली, बिकॉज मुझे हो जाता है यहाँ पे एंड बैक पे. सो आई विल अप्लाई दिस बॉडी सीरम लोशन रेगुलरली, जिससे मार्क्स ना रहें, बिकॉज एक्ने मार्क्स ही लेटर यू नो पिगमेंटेड स्पॉट्स में रह जाते हैं. सो बहुत अच्छा लोशन है ये बॉडी लोशन, बहुत लाइक लाइट वेट है, तो इतना ग्रीसी नहीं लगता, हैवी नहीं लगता, आप इसे पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हो. अब हमारी लास्ट एंड फाइनल चीज, जो स्किन केयर की यू नो फेस केयर की चीजें जो मैं दिखानी भूल गई आपको एक्चुअली, सो इट्स सनस्क्रीन एंड दिस इज फ्रॉम द डर्माको. दिस इज देयर 1% हाइलुरोनिक टिंटेड सनस्क्रीन जेल. इफ यू नो मी आई लव दिस, आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस बिकॉज ऑफ ओनली यू नो वन फैक्टर. देखो सनस्क्रीन तो बढ़िया है ये, ठीक है, सन प्रोटेक्शन तो आपको अच्छी देगा ही, बट वाई आई लव दिस इज बिकॉज दिस इज टिंटेड. ये मुझे बहुत अच्छी कवरेज देता है, ये मुझे यू नो एक थोड़ा सा कंसीलर टाइप फेस पे कवरेज दे देता है, जिससे मुझे अपने फेस पे ज्यादा यू नो कंसीलर नहीं लगाना पड़ता. आई जस्ट पुट कंसीलर हेयर एंड सनस्क्रीन हेयर, तो वो कवरेज दे देता है और मुझे ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ती. नो मेकअप, मेकअप डेज के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, आपको टू मच लेयर्स नहीं करनी पड़ती एंड ऑल्सो गुड फॉर समर्स. ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो. सब प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अमेजोन की फ्रीडम सेल चल रही है, सो डोंट फॉरगेट टू यू नो बाय योर प्रोडक्ट्स टाइमली. सब प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट पे हैं, नीचे लिंक दिया है, क्लिक करो, चेकआउट द प्राइसेस, सी इट फॉर योरसेल्फ एंड ऑर्डर, बिकॉज ये प्राइसेस बार बार नहीं आते. कमेंट डाउन बिलो अगर इसमें से आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं एंड आपके इसमें से फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से हैं. अगर आपने वीडियो देख लिया और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और मेरा दिन बना दो. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ.